अब मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ अरेंज मैरिज, वो कह रहे हैं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। मैंने एक साहब से पूछा डेफिनेशन ऑफ लव मैरिज, वो कह रहे हैं पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा करो। अच्छा हमने आपके बारे में एक बात सुनी थी जी जी। कि आप जो है ना एक बार एम्बुलेंस वालों को फोन करके बुला रहे थे, जल्दी आ जाओ मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने आके देखा तो आप बाल्टी में फंसे। अगर नूरा फातिहा का अगर एक्सीडेंट हो जाए और अगर एयरबैग ना खुले तो नूरा फातिहा को जब भी कुछ नहीं होगा। नूरा फातिहा पीछे बैठ के सफर करती है। छोटे कद का क्या फायदा होता है, देखे नुकसान क्या होता है? देखे कद की कद बड़ा हो या छोटा, हाँ। जो आपके किरदार का साइज है वही साइज मेरा भी है। अभी दो दिन पहले की बात है, मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कर रहा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है नागन का। मैंने सुना आप पहले जो है वो शतरंज वाले घोड़े पे बैठ के डकैती मारते थे। समोसे वाले से कहा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है तो क्या करना भैया, 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी। वाह वाह वाह। अब आप देखो एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। और मैंने मछली के शिकार पे गया, मेरे जाल में इतनी छोटी छोटी मछलियां लगी, मुझे ऐसा लगा मैंने गायनी वार्ड में जाल फेंक दिया। कहते हैं कि इंसान कहता है पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। वाह वाह वाह। कि लड़कों तुम जिस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए सिगरेट पी रहे हो ना, वो लड़की किसी और के लिए इमली खा रही होगी। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई, अस्सलाम वालेकुम मुस्बी भाई, वालेकुम अस्सलाम। और ईद गुजर गई, दावतें वावतें कंप्लीट हो गई हैं, ससुराल ससुराल से होकर आ गए। जी जी मैं तो रहते ही साथ ही हूं तकरीबन। आप भजन क्या करा ससुराल? मैं ससुराल, मैंने कहा ढूंढ रहे हैं जा, क्या, बन जाए कुछ ससुराल। ये एहसास है महरूमी, बस क्या बताऊं, मुझे तो मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे जेल में तो देख सकते हैं मगर रिलेशनशिप में नहीं देख सकते। और मुझे लगता है मुझे लग रहा है जेल में रिलेशनशिप बना लेंगे। नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरे रिलेशनशिप का शिप कहीं डूब गया है। इन बातों बातों में मैं यकीनन गुसल खाने में डूबा होगा क्योंकि इनका ज्यादातर टाइम वहीं गुजरता है। बहुत अच्छे, देखो कितने डिसेंट शो हमने शो शुरू किया। मैं आपको बातों बातों में एक बात निकल गई जी 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 जी, आज के हमारे गेस्ट ने शो में और स्पेशल गेस्ट हैं माशाल्लाह, और उनकी आज यहाँ पे होने की एक वजह ये भी है कि कोई और गेस्ट लाइनअप नहीं हुआ क्योंकि सब ईद में मसरूफ थे। सब ईद में मसरूफ थे और एक आदमी जो हमारा घर का आदमी बेसिकली है ना, तो आपकी भरपूर तालियों में हम सब के फेवरेट रिजवान खान। ओए होए 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 होए, यार ये बताइए आपने, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी देर, आपने बड़ी देर की है, मैं कब से हम दोनों कह रहे थे कि इनको बुलाएं आप शो में, है ना, क्योंकि ये करोड़ों दिलों की धड़कन है ना। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ ना कि देखें घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा ही है। देखें मैं इनको घर की दाल मुर्गी बराबर, जबकि हाँ बात बरकत भाई, जबकि हर पॉडकास्ट में यही बैठा हुआ होता हूँ, हमें अप्रिशिएट कर रहा होता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखें ये मुझे अपने शो में नहीं बुला रहा, मैं इसको अपने शो में नहीं बुला रहा। टसल लगी हुई थी, क्या बात है, क्या बात है। तो ये एक बात है, तो रिजवान को यहाँ पे बुलाने की वजह ये है कि हम इसकी जिंदगी के तजुर्बात पूछें इससे। वाह, आप बीती ऐसे तजुर्बात बताना जो ऑनर चले जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसे वो वाले तजुर्बात आपने बताने, बिल्कुल। ये रिजवान अब तो स्टार है माशाल्लाह, लेकिन स्टार बनने से पहले इसने बड़ी स्ट्रगल की है, इसने जॉब्स की हैं। अच्छा हाँ, ये पहले वो बता ना कहाँ जॉब करता था भाई? यार मोबाइल शॉप पे करता था ना अहमद भाई, मोबाइल शॉप में। अच्छा, रिपेयरिंग, सेल परचेज, कार्ड डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग भी की है। 300 रुपए में कार्ड फुल नहीं वाला था। हाँ वो, अच्छा मैं बताता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ। एक हमारा भाई आ गया एक ना, तो आके बोला यार जरा ये डाउनलोडिंग करवा दी है, मैं ला कर देंगे। मैंने क्या डालने हैं, बोला यार गर्लफ्रेंड डाउनलोड की, गर्लफ्रेंड डाउनलोड ये अभी मैं लगा हुआ लाइन में। अच्छा अच्छा, ये डाउनलोड करनी है। अच्छा अच्छा, बरकत भाई ये मुझे देखे, पहले डाउनलोडिंग का जमाना था, फिर सीडी का जमाना आया। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपने सीडी एक लगा के देखी और 2 महीने बाद आपका फिर मूड हुआ और उस सीडी पे स्क्रैच आ गए? और एक खतरनाक सीन फंसा हुआ है मेरे दोस्त का, एक वाक्या हुआ खराब हो जाता फॉरवर्ड का, मेरे एक दोस्त का वाक्या हुआ। अब वो बेचारा इतना वो हो गया था, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था वो ना। अब उसने क्या करा, वो एक संपट मतलब वो देख रहा है, वो फिल्म देख रहा है, वो फिल्म देख रहा। अब मेन सीन फंस गया,
अब उसके अब्बू अचानक गुजर रहे पीछे से ना, उसके अब्बू ने अचानक कमरे से यूं गुजर रहे हैं, यूं गुजर रहे हैं, यूं गुजर रहे हैं, अचानक उसके अब्बू यूं गुजरे, नजर पड़ गई क्या सीन फंसा हुआ। तो अचानक उसने पीछे देखा तो अब्बा उसकी तरफ देख रहे, वो अब्बा की तरफ देख रहा, अब मुंह सीन फंसा हुआ है, सही है, बंद भी नहीं हो रहा कंप्यूटर होता है ना, बंद भी नहीं हो रहा। अब वो क्या कर रहे हैं, स्विच नहीं निकाल रहे, दोनों बाप बेटे लात मार रहे पीसी को, कह रहे दो दिन से मेरा भी यही सीन फंसा हुआ, तेरा आज ना फंसा। अच्छा बेटे दोनों फंसे हुए एक ही सीन में, एक ही सीन में। पहले का क्या दौर था, इतनी आसानियां नहीं थी हैं। अच्छा रिजवान खान ये बताएं कि छोटे कद का क्या फायदा होता है, देखें और नुकसान क्या होता है। देखें कद के कद बढ़ाओ या छोटा, जो आपके किरदार का साइज है वही साइज मेरा भी है। आपने साइज नाप लिया? नहीं, इसका कहने का मतलब किरदार किरदार का साइज जो है, किरदार का मैं समझ गया, इंसान का अखलाक मैटर करता है। हां बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है, क्या ही बात है। नहीं इसमें मतलब किसी से झगड़ा वगड़ा होता है तो पत्थर फौरन खा लेते हैं, झगड़ा होने का बिल्कुल फायदा है। हां अब आप ये सोचें मैं टक्कर मारूंगा तो कहां लगेगी। वाह वाह। अच्छा बात पता है क्या, मैं रिजवान जैसे बंदे से पंगा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है ना पत्थर आसानी से उठा लेते हैं, इनका हाथ जमीन पे फौरन पहुंच जाता है, हमें तो कुछ सेकंड लगते हैं ना पत्थर उठाने में, ये फौरन पत्थर उठा के मार देते हैं। और फिर वही वाली बात, जहां टक्कर लगेगी वही पत्थर लगेगा। लेकिन पता अगर ये लंबे कद का होता ना हिट नहीं होता। इसी कद पे नवाजा, इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत, अब कमजोरी नहीं बता रहा कौन सी है। नहीं नहीं अल्लाह इसको खुश रखे, और ये इसकी जीत है, और इसका जो कॉन्फिडेंस है, इसका वा, जो वा, 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 काम की लगन है, वा, 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 मतलब बहुत से लोग इन चीजों में ना अंदर डूबे हुए होते हैं, लेकिन आप देखो ये इतना ज़हीन, इतना टैलेंटेड है कि इसको जरा भी ना कोई खौफ है, ना कोई परेशानी है, धड़ल्ले से बात करता है। सबसे अच्छी बात है, ऐसे करके लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ इस चैनल के थ्रू, कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, ज़हनी सुकून दे, आमीन, और आमीन। आपकी हर जायज़ नेक जायज़ ख्वाहिश पूरी हो। वाह वाह वाह, मेहनत करते रहे, मेरी दुआ यार, गले में पैसे डाल के जाएं। अच्छा मैंने सुना आप पहले जो है वो शतरंज वाले घोड़े पे बैठ के डकैती मारते थे। मैं भाई बोलूं तेरा डिसेंट शो कैसे हो गया ये? आगे अरे भाई रिजवान की वजह से इसने बताया हादसा हो गया था। क्या हो गया? क्या क्या? जहाज जमीन पे लग गया था। क्यों? वो पायलट ने ऊपर देखा कि छोटे नजर आ रहे बंदे ना, तो जहाज ऊपर है वो बेचारा समझ गया, अचानक जमीन पे मार दिया। अच्छा रिजवान ये जो जो सिचुएशन चल रही, जो हालात चल रहे हैं, उसके बारे में कोई अगर मैं तुमसे बोलूं कोई नजर, क्या तुम्हारी नजर है जो सिचुएशन चल रही, जो हालात चल रहे हैं? किस हालात पे मुझे पूरा बता। ये हालात पे, ये बैंकॉक में जो इस वक्त जो गर्मी हुई है। तो भाई जो मुल्क के हालात चल रहे हैं यार, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, महंगाई 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 है, लाइट नहीं है, पानी है। आपको तो पानी ज्यादा यूज होता भी नहीं होगा। एक बाल्टी में हो जाता है काम, एक बाल्टी में। हाँ। बाल्टी में टपके मजे लेते हैं। नहीं ऐसा हुआ कि ये, अच्छा ये बात सच है, हमने सुना था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप भाई है मेरे। नहीं नहीं रिस्पेक्ट ना, नहीं, नहीं, हमने आपके बारे में मैं भी बोलूंगा। अच्छा अच्छा हमने आपके बारे में एक बात सुनी थी जी, जी। कि आप जो है ना एक बार एम्बुलेंस वालों को फोन करके बुला रहे थे, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं कुएं में गिर गया, उन्होंने आके देखा तो आप बाल्टी में फंसे। ये हुआ था ये? नहीं पता, ईमानदार से होता है। मतलब इसका लुबे लुबाव ये कि नहाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ ये बताएं। नहाते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप किस तरह नहाते, खड़े होके नहाते? ये तो नहाने के बाद खड़े होते हैं। ये इनका क्या कहते हैं, ये बनाते हैं बस। अच्छा रिजवान भाई, जो मैं महंगाई के बारे में, आप देखिए आप तो आप एक सेलिब्रिटी हैं। नहीं नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं है, है, है आप हैं, ये तो है, है, आप ये आप हम्बल हो रहे हैं। नहीं नहीं मैं हम्बल नहीं हो रहा, ऐसा कुछ ये आप झुक रहे हैं आप तो। हाँ ये आजी में झुक रहे हैं, आजी में। तो ये महंगाई का असर हुआ आप पे, या आपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह के लोग उखड़े हुए परेशान है? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा लोग परेशान है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं इंटरटेनमेंट के जरिए लोगों को थोड़ी सी खुशी मुयस्सर हो, लेकिन लोग इतने नफसियाती हो गए ना। आप देखो आपने नोट किया होगा, इर्द गिर्द के माहौल में आप नजरें दौड़ा हुआ, हर आदमी आपको ऐसा उखड़ा हुआ मिलेगा ना, जो माहौल चल रहा है। अभी दो दिन पहले की बात है, मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए, बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कह रहा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा यार आज के समोसे अच्छे नहीं, कल के समोसे ज्यादा अच्छे थे। वो समोसे वाले क्या कर रहा, क्या बात कर रहा हूँ भैया, ये कल ही के तो हैं। मैंने समोसे वाले से कहा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है, तो क्या कहना भैया 10 रुपए पूरी लड़की निकलेगी। वाह वाह वाह, सिचुएशन बता रहा, लोग इतने उखड़े में। अभी दो दिन पहले की बात है, मैंने एक होटल वाले से कहा, मैंने कहा यार आपके होटल का खाना कैसा है? वो क्या कह रहा है, अबे हमारे यहाँ हजारों मक्खियां घूम रही है, वो गलत तो नहीं हो सकती ना। नहीं यार आप ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हर आदमी का दिमाग खराब हुआ है। अब डॉक्टर ने बोला मरीज को कि भाई तुम सिगरेट कम पिया करो। अब मरीज की कुछ दिनों बाद तबीयत और खराब हो गई, वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर बोला भाई तुम सिगरेट कितनी पी रहे हो? कह रहे मैं तो रोजाना आधा डब्बा पी रहा हूँ। तो बोला पहले कितनी पीते थे? वो बोला पहले पीता ही नहीं था।
देखो भाई, तू सिगरेट नहीं पीता तो नहीं पी, चला गया दिमाग खराब, अच्छी बात है यार, ये दिमाग खराब, ये दिमाग खराब हुआ है, सुन हुआ है। आप देखो आपके इर्द गिर्द के माहौल में आपको अजीब अजीब करेक्टर मिलेंगे, आपको अजीब अजीब सिचुएशन देखने को मिलेगी, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसको आप देखते हो ना, आपको समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन पे मैं रिएक्ट क्या करूं। आप यकीन करो, अभी दो दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में एक बंदा भागे हुआ जा रहा था। मैंने बोला किधर जा रहा है, कह रहा पुलिस स्टेशन, मेरे घर चोर आ गया। अरे मैंने बोला तो बीवी को घर में अकेला छोड़ दिया, कह रहा नहीं उसने चोर को भाव में जकड़ा हुआ। अब देख रहे बस में एक बच्चे को ना लड़की ने थप्पड़ मार दिया, बच्चे ने स्मित ने कहा था आंटी आंटी आप मेरी जगह पे जाके बैठ जाए, आंटी ने थप्पड़ मार दिया, बच्चा रोता हुआ दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। सही है। ये क्या बात हुई। हाँ उसने कहा था मेरी जगह पे बैठ जाए। सही ना, जगह भी तो देखे ना आपको, जगह भी चाहिए। जगह भी तो इसलिए नहीं, सवाल ये है कि बस में कोई वाकया आपके साथ हुआ, बस में आप पीछे से चढ़े हो आगे से उतर गए क्योंकि मेरी दुनिया ही बदल गई। यार बस में ज्यादातर ये होता है अंगूठे वाले जादूगर कोई दिखा रहा होता है। हाँ, वो तो बात कर चुका हूँ, सही कह रहे, सही वाला जादू। अच्छा बस में करेक्टर भी बड़ा चढ़ता है, इस वक्त जो मेरे हाथ में दवाई की शीशी है बड़ी करामत चीज है। आदमी की तो कौन सी दवाई, वो रुमाल सबको सुंघाता ही करके सबको सुंघाता है। चाचा बैठे हुए थे बस में, ये सच्चा वाक्य है, बम फट जाएगा, वो कंडक्टर कर सीटों के नीचे चेक कर ले, बम ना फट जाए, बम ना हो, बम ना हो। चाचा कह रहे बेटा बम फटे ना फटे तो हमारी जरूर। दूसरी बात है, और आपको बसों में चोर मिलेंगे तरीके से जेब काटने वाले। यहाँ तो अब तो लेटेस्ट दौर हो गया ना, अब तो डायरेक्ट पिस्तौल दिखा है मोबाइल। ऐसा ही है, अब ये हो गया ना, हमारी पाकिस्तानी कौम मैं कहता हूँ ज़हीन कौम है। कैसे ज़हीन कौम, जल्दी भी बस में से इंजन चोरी कर लेती है, ड्राइवर को पता नहीं चलता। हमारे पाकिस्तानी चोर फ्रांस में होते हैं ना, आप यकीन करो तलाशी लेने पर उनकी जेब से एफिल टावर निकलता। और मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी के दिल में इतनी जगह होनी चाहिए, जैसे वो कंडक्टर नहीं बोलता बहुत जगह है आ जाओ, बंदे से बंदा लगा हुआ है, कहता बहुत जगह है, मुंह मिला हुआ होता है, मुंह से मुंह मिला हुआ है, मुंह मिला हुआ होता है अजीब, और बस में यूं पकड़ के खड़े हुए होते हैं। और अच्छा, और आदमी जिस प्रोफेशन में, मैं समझ गया आप वहां ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पुराना बाकी याद आ रहा है। अच्छा मैंने बस, आपकी आदमी जिस प्रोफेशन में होता है ना, उस प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन से मुंसलिक होता है आदमी, घर में भी उसी तरह की बातें कर रहा होता है। अब आप देखो एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, पांच की जगह है। मैं बता रहा हूँ, आज बनानी है जगह, खाला नहीं बनाई। मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन, देखिए बात पता है कि जो दौर चल रहा है, जो नाजुक दौर चल रहा है, अभी आपने डॉक्टर की बात की, जो आपने सिगरेट वाली किसे सुनाया, मैं कहता हूँ आज के इस नाजुक दौर में, आज के इस गुर्बत के दौर में, जब एक गरीब आदमी बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर साहब उसको दवाई के साथ लिख कर दे देते हैं, देसी घी खाओ, फ्रूट्स खाओ, बादाम खाओ, जूसेस पियो। जब वो घर जाता है, बीवी पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, वो कहता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सही बात है, ये बताया ना, जब लड़कियां, मतलब लड़कियां आपको अट्रैक्ट करती हैं, या आप लड़कियों को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, लड़कियां आपसे किस तरह बिहेव करती हैं, जैसे कभी अभी तो आपने थोड़ी सी ये शेप बढ़ा ली अपनी, जब क्लीन शेप होता है तो लड़के कहते हैं आ मेरे गोद में आ जा, कल्ले खींचते हैं, बिल्कुल क्लीन शेप किया है मैंने, आपका दिल करता है उनके कल्ले खींचे, पहुंच नहीं सकता। अच्छा नहीं, लेकिन जहां पहुंच सकता है वहां से तो खेल सकता है, ठीक बात है। दोनों क्यों नहीं खेचे। अच्छा इनका करने का, इनका कहने का मतलब ये है कि रिजवान खान मोहब्बत की, मोहब्बत की, देखिए अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं तो मोहब्बत पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए मोहब्बत का बे जो है ना वो बहुत निराला है, मोहब्बत का बे जो है बड़ा निराला, बड़ा ही निराला है। देखिए शादी हो जाए तो बेगम, ना हो तो बाजी, और ज्यादा मोहब्बत हो इसी वे से बच्चे, और उसके बाद वही बच्चे जो ना बच्चे यार क्या बात, और फिर ऐसी की तैसी करते यार, आपने जो भड़त निकल गया, बेवा 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 यार आपने क्या बात की। अच्छा बेहार है सबने, हमें बेहार, एक बेवार आ रहा है वो बताऊंगा नहीं, बात पता है। अच्छा आप दोनों शादीशुदा हैं तो मुझे बताइए ये बात सच है, कहते हैं अपनी बीवी को अपनी 100% कमाई देने से 10% सुकून मिलता है, और अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी 10% कमाई देने से 100% सुकून मिलता है। पैसा आप लोगों का, फैसला आप लोगों का, वो चंद सेकंड का होता है, जो भी सेकंड का होता है, जिस सुकून की ये बात कर रहे हैं, जी 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 जी, इनके लिए वो चंद बरकत भाई मैं बता रहा हूँ, जिस सुकून को आप होटलों में तलाश कर रहे हो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये लोग मुझ पर इल्जाम है। अब मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ अरेंज मैरिज, वो कह रहे हैं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
मैंने साहब से पूछा डेफिनेशन ऑफ लव मैरिज, वो कह रहे हैं पहले इस्तेमाल करो फिर भरोसा करो। और शादी नहीं हो रही क्योंकि पहले ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं लेकिन बरकत भाई उसमें भाई मेरा आप लोग एक सवाल है। जी जी आप दोनों हर जगह साथ साथ जाते हैं, कुछ जगह होती है जहां अलग होना पड़ता है। मैंने अक्सर देखा है, शो में भी देखा है, जहां देखा आप दोनों को साथ ही देखा है, तो बाथरूम में भी साथ जाते हैं। अरे ये होता है ना मॉल्स वगैरह में जो होता है ना, वो एक साथ बने हुए होते हैं बाथरूम, मेन दरवाजा तो एक ही होता है जी। अब अंदर से हम निकल ले तो एक साथ कह रहे हैं यहाँ भी एक साथ। भाई अंदर चार बाथरूम है। अच्छा रिजवान खान, अब एक बात यार, वो हम अपनी बातों में लग गए, रिजवान खान का इंटरव्यू है और इसी को हमने मतलब उसको मारा है। वो सवाल करूंगा जो आपने मुझे खुद दिया। सवाल ये है कि यार आपने मोबाइल उसमें काम किया, बिल्कुल मोबाइल मार्केट में जी जी, उसके बाद कहाँ काम किया? जैसे आप ये बताते थे कि ये आप ये जो सीजनल वर्क होता है ये भी करते थे आपने, मेरे ख्याल बम भी बेचे चाइना मार्केट। आओ प्यार करें, देखिए रानी बम, अच्छी बात, पहले रानी बम चॉकलेट बम आता था, सुतली बम, डिबरी पहले, अब नहीं आती। बम जब शलवारों में नहीं जाती थी तो आप जाते थे। एक आता था मुर्रा क्या होता था, मुर्रा होता अगर वो सीधा जला तो ऊपर, नीचे जला तो अंदर। बीड़ी की तरह होता था, बीड़ी की तरह। वो बम कौन सा होता है? सिटी बम। ऊपर आके जो सिटी बम। क्लाशन पट्टी भी आती है। क्लाशन पट्टी आती है। अच्छा यार कुछ लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं यार, ये लोग चांद पे जाएंगे, वो जो बम खराब हो जाते हैं ना उसके मसाले से भी एक बम बना लेते हैं। पाकिस्तानी कॉम जीनियस, सल्यूट है। अच्छा आप टेंशन जो चल रहे हैं, जो माहौल चल रहा है, हम पाकिस्तानियों का समझ नहीं आ रहा कि हम लोग टेंशन ले रहे हैं या टेंशन हमारी ले रही है। जो सूरत हाल चल रहे हैं ना, हम इस टेंशन में भी इंजॉय कर रहे हैं यार। मैं देखो हमारी पाकिस्तान कितनी जीनियस टेंशन में भी इंजॉय कर रही है। मैं ये कहता हूँ जो मुल्क की नाजुक सूरत हाल चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ देखो सिचुएशन क्या हो गई हम लोग की। पहले हम लोग कहते थे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। दीवार पे लिख देंगे, दीवार पे लिखना पड़ा है। सफाई के लिए कहेंगे कोई गंदा कपड़ा दे दो, अबे सफाई करनी है साफ कपड़े से कर। देखिए बात पता है क्या, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, नजरत मैं कहना चाहता हूँ आज के इस दौर में अगर आपके पास पुरसकून घर है, मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार हैं, अच्छे दोस्त हैं, पेट भरने को खाना है, तो आप समझ लें आप पाकिस्तान में नहीं रहते। अब तो आप मशहूर हो गए माशाल्लाह से, पूरी दुनिया आपको जानती है। और ज्यादा हो जाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह आप हैं मशहूर, ऐसी बात नहीं। अल्लाह सबको मशहूर करे और दौलत भी दे। मैं कह रहा हूँ रिश्तेदारों से कैसा आपका है? देखिए पहले कोई साथ नहीं बैठाता था, अब हर कोई साथ बैठना चाहता है। वाह 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 वाह। तो साथ क्यों नहीं बैठाता था? आप क्या कोई ऐसी ऐसी हरकत करते थे? नहीं आपको पता है ना वक्त के साथ साथ सब चेंज हो जाता है। पहले कोई वक्त नहीं देता था, अब वक्त लेते हैं मिलने के लिए। वाह 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 वाह। और अब तो बहुत से रिश्तेदार जबरदस्ती बन गए होंगे। तो यही तो हमारा भाई जिसने बरकत भाई जिसने एक दफा हाथ भी मिलाया ना तो वो भी रिश्तेदार है। वाह 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 वाह। देखो ये है, ये चीजें हैं। मैं कहता हूँ देखो बात पता है क्या है, जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना तो हर आदमी ऐसे करता है जैसे वो पहचानता ही नहीं है, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो ऐसे मिलता है कि जैसे यार मैं बरसों से इसको जानता हूँ, शहर की मक्खी की छत्ते की तरह चिपक गए। हाँ मैं ये कहता हूँ देखो आप एक दूसरे के लिए पुल का काम करो, पुल का काम करो, अच्छे वक्त वो काम नहीं करो जो पुल के नीचे होता है ऊपर वाला। अच्छा वो कहते ना एक मशहूर बात है, कहते हैं अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो ना तो उसको मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखाओ, ऐसे पकड़ना सिखाओगे काफी देर हाथ में रखे रहे मछली हिलती बहुत है। और एक बार मैं मछली के शिकार पे गया, मेरे जाल में इतनी छोटी छोटी मछलियां लगी, मुझे ऐसा लगा मैंने गाइनी बोर्ड में जाल फेंक दिया। आप देखिए पता है क्या, मैं पहले ये बात कर रहे थे जो सूरत हाल चल रही, जो महंगाई चल रही, जो टेंशन चल रही, हमें चाहिए कि हमारी स्पेशली घर की खवातीन को चाहिए कि मर्द जब थका हुआ आ रहा है क्योंकि बाहर की टेंशन है, तीन दिन जॉब कर रहा है, दूध महंगा, ये महंगा, आशियात महंगी, किराना स्टोर पे जाकर उधार लेके आ रहा है, तो उसको टेंशन देने की बजाय उसके साथ कॉपरेट करें, उसके साथ कॉपरेट करें, उसका वेलकम करें। और ये शौहर पे पट्टी बांध के ना बैठे बाम लगा के। और बीवी का शौहरों का भी फर्ज है कि घर पे जाते ही बीवी को बाहर की टेंशन ना बताए क्योंकि बेचारी ऑलरेडी घर की टेंशन है। और एक दूसरे को गिफ्ट दें, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। अब मैं कहता हूँ आज के इस नाजुक दौर में एक औरत के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? क्या? लंबी टाइमिंग है, उसको टाइम दे, ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ 12 घंटे बाद आ रहा हूँ, फौरन आओ 3 घंटे में,
बहुत अच्छे पूरी रात बाहर हो, बाहर बैठे हो, बीवी घर में बच्चों के साथ अपना दिमाग घुमा रही है, टाइम तो वाह 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 क्या सही बात है ना, टाइम टाइमिंग क्या है रिजवान खान, मतलब मतलब काम की काम की काम की आने जाने क्या टाइमिंग है, आप कितने बजे सो रहे हो, आपकी टाइमिंग जो है ना वो बढ़ रही है, मेरी घट रही है, किसी ने शिकायत की तकरीबन 12 आपने कहा ये कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब हमारे काम की आपकी कोई टाइमिंग, कोई टाइमिंग नहीं, शो इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, नहीं होती, हम भी इसी में शो तो मशहूर है, और कहते ना ये शो इसकी जो कमाई है ये हवाई है, मुझे बताएं हवा भी कभी रुकती है, कभी इत्तेफाक होता है कोई थोड़ा सा हफ्स हो जाए उसके बाद चलने, पता है क्या है, कहते हैं कि इंसान कहता है पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं, बात ही हर चीज का सदका है रिजवान भाई, आप चीजें ना ले मेरे, हर चीज का सदका है, अकल का सदका ये है कि किसी जाहिल की बात सुन के बर्दाश्त करना, बैठा तो मैं बैठा तो अच्छा ये मेरे ऊपर ही आ गया, अच्छा रिजवान भाई ये बता, सिंदड़ी आम काफी बड़ा होता है, एक एक ही दफा में खा लेते हैं नहीं भाई, बात सही बोली आपने, बहुत बड़ा साइज होता है आम का, बहुत बड़ा, हां अच्छा कुछ एक दिन पाओगे आम, अच्छा कुछ भाई आम चूस के खाता ही है, आम चूस के ज्यादा खाता है, ज्यादा मजा है ना मखान, जो चीज चूसने में मजा आ जाए वो खाई जाए, मैं आपको एक बात बताऊं, आम काट के खाने से ज्यादा मजा आम चूस के, आम जितना बदतमीजी से खाओ उतना ज्यादा, जब तक कोनी से यार टपके नहीं ना यहाँ से, यहाँ से पता नहीं है, और बात हुई ना आम खाते वक्त मक्खियां ऐसे आ जाती जैसे उनके पैसों से आम खरीदे, और एक बात नीली वाली मक्खी वो अलग ही होती है, अच्छा वो सिर्फ आम पे आती है, बस बात है, बहुत गहरी बात, नीली वाली आज भी आई हुई सिर्फ आम, नहीं नहीं रिजवान खान ये बताएं कि क्या कहते हैं, देखो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ऐसा ही है, हमारी कौन सी इज्जत जो बात जो बात है, बिल्कुल ऐसा ही, कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी बताएं जरा, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड डू यू हैव, डू यू हैव समथिंग एक्स्ट्रास ओनली नो, स्टिल बताओ स्टिल कितनी, हां स्टिल भाई, स्टिल फोटोग्राफर जो एक्टिव है अभी, एक्टिव जो है, हां जो एक आवाज पे आपके क्या कहते हैं सुजुकी, एक आवाज पे हाजिर हो जाती है, सुजुकी आ जाए, एक आवाज में आ जाती है, पूरा भरा हुआ है, मतलब एक ही आवाज में हाजिर हो जाती है लवाजमात लेके, क्या हुक्म है मेरे आका, नहीं जो एक आवाज पे मुश्किल में काम में आ जाए, मुश्किल में, अच्छा ये बात सच है, कहते हैं लड़कियों से दोस्ती करना आसान काम नहीं है, नाखून भी टूट जाए तो भी अफसोस करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ लड़कियों को मैंने देखा, आप इस बात की तायद करेंगे, कुछ लड़कियां जो है ना ओवर रिएक्ट करती है, कुछ लड़कियां आप यकीन करें ओवर रिएक्ट करती है, लड़की ने बस में लड़के को थप्पड़ मार दिया, लड़का कह रहा मेरी बोरा भरा हुआ है तो निकालो कोई एल्बम एल्बम निकालो उल्टा करके जाले बहुत गिरेंगी, अच्छा फिल्मों में आपको हीरो ले लिया जाए कुछ भी हो सकता है, हीरोइन कौन सी आपको जिसके साथ आप काम करना पसंद, तुझे नूरा फातेह पसंद है, नूरा फातेह अहमद खान बिल्कुल ऐसे, नूरा फातेह इसको बहुत पसंद है, कहता है यार मुझे नूरा फातेह जैसी टैलेंटेड लड़की नहीं देखी मैंने आज तक, मतलब अगर नूरा फातेह का अगर एक्सीडेंट हो जाए और अगर एयरबैग ना खुले तो नूरा फातेह को जब भी कुछ नहीं होगा, नूरा फातेह पीछे बैठ के सफर करती है, आगे वाले को लगती है ना, अच्छा बैठती पीछे जाती आगे तक, हाँ नहीं क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो, नहीं तो जो पीछे बैठेगा उसको थोड़ी लगेगी आगे, अगर पीछे तो एयर बैग वो तो सीट होती है, अच्छा पीछे बैठती है सर, फॉर्म पे लगता है आपका ना, हाँ ऐसा ही है, अच्छा ये नूरा फतेह होगी ना, ये नूरा फतेह मुझे लग रहा है पूरी फिल्म में उसको गोद में लेके घूमेगी, मेरी जानू गाना कर ले तो गोद का जो मजा है ना वो आपको पता नहीं है बरकत भाई, अच्छा ये फिल्में अगर आप देखते हो ना तो फिल्मों में जो चीज आपको मिलती है ना आप उसको आम जिंदगी में अप्लाई करो तो आपको गालियां मिलेंगी, अभी दो दिन पहले मैं एक बुक स्टोर गया, मैंने कहा यार एक बुक देना, कह रहे कौन सी, मैंने कहा वही जो फिल्मों में हमेशा किसी खूबसूरत लड़की से टकराने से गिर जाती है पटाख करके, वो बुक कहां है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, ये रियल में नहीं है, ये रियल में बुक नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा बरकत भाई सारी किताबें बैग में होंगी एक किताब हाथ में होती है, समझ में वही गिरेगी, वही गिरती है, अच्छा बरकत भाई एक बात बताएं, हां यार हम लड़कों को मोहब्बत में धोखा मिलता है हम लड़के शेप पढ़ा लेते हैं, क्या करती हैं लड़कियां, ये लड़कियां ये नाखून बढ़ा लेती हैं, नाखून सारी उंगलियों के, हां सारी उंगलियों के, आपकी एक ही उंगली पे हाथ रखा नहीं नहीं भाई होता एक नाखून बढ़ा लेती हैं, हां और पोलैंड नहीं जाती उनका, मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, आपने अच्छी बात की, मैं लड़कों से कहना चाहता हूं जो लड़के मोहब्बत में धोखा खाने के बाद शेव बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं और नशों में पड़ जाते हैं, मैं लड़कों से कहना चाहता हूं कि मोहब्बत में धोखा खाने के बाद आप नशों में ना पड़ें, मैं उन लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूं, सीरियस मैसेज देना चाहता हूं कि लड़कों तुम जिस लड़की के लिए सिगरेट पी रहे हो ना वो लड़की किसी और के लिए इमली खा रही होगी, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमारे मुआशरे में देखें ना
जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि जिना के लिए सिर्फ जगह चाहिए, निकाह के लिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, खानदान चाहिए, खानदान चाहिए, तो होगा ना मुश्किल निकाह। अरे ये कुछ लड़के जो समंदर पे जाके जो बिलाजे में लड़कियों को देख के इतराते हैं ना, और वो लहरों से खेलते हैं और बाद में अफसोस करते हैं, लहरें ले जाती हैं उनको। आप ये देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि लड़कियों के लेट रिप्लाई की वजह से आधे पाकिस्तान के लड़के डिप्रेशन का शिकार हो गए। आप रिप्लाई करोगे, बंदा सुबह से लगा कोई ऐसी ऑफर हुई हो आपको जो अभी तक आपने किसी को बताई ना हो, फिल्मों की ऑफर हुई हो? नहीं, कोई भी किसी भी किस्म की ऑफर हुई हो, क्योंकि देखिए एक सबसे छोटा कद जो होता है उसको कोई ना कोई ऑफर होती है, जो लंबा कद होता है उसको बाहर कोई ना कोई ऑफर होती जरूर है। ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है। आपका ऑफर तो हुई है काफी, लेकिन पैसे कम थे, पैसे कम थे, पैसे कम थे या बंदे कम थे? क्या क्या हुई ऑफर? नहीं वो बताने का नहीं ना, मैं बोल दिया ना। अच्छा बस समझ जाए। नहीं ऑफर हुई होगी क्योंकि आप जाएंगे ना तो वहाँ ऐसी ऑफरें होती हैं। हमें तो नहीं होगी, हमें क्या होगी? नहीं यार हुई होंगी आपको, बरकत आपको हुई ऑफर? बरकत भाई को हुई होगी, मैंने आपको अलग कैरेक्टर के लिए ऑफर ले लिया, या तो कह रहे हो या तो दे दो या तो ले लो। ये बेहोश हो गए थे ना, याद नहीं। अच्छा रिजवान खान जी, है मतलब एक तुमने क्या कहते हैं मोबाइल मार्केट में काम किया है, ऐसा ही है। एक तुमने क्या कहते हैं पटाखे बेचे हैं, बिल्कुल। तीसरा तुमने जो ऑफर मुझे बताया था, चप्पलों की दुकान पे काम किया। हाय 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 हाय, क्या बात बोली है। चप्पलों की दुकान पे काम किया। अच्छा जो चप्पल की दुकान पे काम करता है ना, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या होती है बताना जरा। देखो मैं पैसों का पता लगे, देखे कोई कस्टमर है लेडीज कस्टमर, उसको बोलते हैं पावनी अवड़ लिए। क्या पावनी अवड़ लिए? मतलब कस्टमर खराब हो रहा है। अच्छा या लड़की को याद है बुल्ला तीको, तीको बुल्ला तीको, लड़की देखो समझ रहे हो बात। अच्छा लड़की को तो नहीं पता वो क्या बोले। मैंने देखा चप्पल की दुकान पे ना अक्सर एक बहुत बड़ी चप्पल टांग देते कि जिसके ये पैर में आ गई तो हम उसको ये ना दो जोड़ी गिफ्ट देंगे। इतना बड़ा पैर किसका होता है? मैं पूरा आ गया था उसके अंदर। और वो भी अगर ये जैसे वॉशरूम जाना हो, दुकानदारों को वॉशरूम जाना होता है, वो क्या बोलते हैं? देखिए अगर सुसु आ रहा तो टांचा 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 करके आ रहा हूँ, और टांचा करके आ रहा हूँ। अगर वो तो फिर दो नंबर ही कहलाता है वो, उसका नाम, हाँ उसका नाम होगा, वो मेरे जहन में नहीं अभी। अच्छा वाह 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 यार, ये बड़ी जबरदस्त। नहीं नहीं लेकिन यार ये बड़ी मालूमात वाली बात है, ये एक्सपीरियंस, ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है, ये इसने हासिल करा है। और एक मेडिकल स्टोर भी आपने लगे थे, वो तो वो देखे अहमद खान, वो मैं बताता हूँ वो स्टोरी क्या थी। वो स्टोरी ये कि मैं उसके बाद यमन ले यार कुछ काम वगैरह देते हैं भाई, बोला यार तुम क्या काम करोगे, तुम काउंटर तक भी नहीं आ रहे। सही, मैंने बोला आप मुझे रख के तो देखे, मैं किसी भी तरह कर लूंगा चीजें, तो देखे फिर देखे मैं कहाँ तक आता हूँ, कहाँ तक आता हूँ। सही बात है, मैं आप स्टूल है यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर लूंगा। बोला नहीं नहीं यार हम आपको नहीं रख सकते, आप क्योंकि काउंटर तक नहीं आओगे। आप देखो ये तो इसका दिल बड़ा है कि ये सही गया, ये चीज बता भी रहा है, बता मतलब लोग आपको पॉइंट आउट ऐसे करेंगे जिसको आपको ऐसी चीज समझाएंगे कि जो आपके काम की नहीं है। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, मुझे कह रहा बेटा बच्चे इतने होने चाहिए जितनी मोटरसाइकिल पे जगह हो। मैंने बोला अच्छा, और अगर किसी के पास ट्रक हो तो? अब मेरा एक दोस्त जब भी मिलता था ना मुझे मोहल्ले में, एक ही बात समझाता था, अभी यार कमजोर हो रहा है कुछ खाया पिया कर। फिर दोस्त के बाद मिले, अबे कमजोर हो रहा है कुछ खाया पिया कर। फिर दो महीने बाद मिला, अबे कमजोर हो रहा है कुछ खाया पिया कर। एक दिन मैंने उसके 50,000 रुपए खा लिए। अब नहीं बोल रहा होगा, अब कमजोर हो गया, अब मुझे ढूंढता फिर रहा है, कमजोर हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, देखिए बात से बात निकलती है और बात निकल के कहीं ना कहीं फैल जाती है, और जब बात फैल जाती है तो आपका फर्ज है उस बात को फैलाएं। फैली हुई बात को फैलाना चाहिए, हमारा फर्ज है, और इस बात को इसी तरह की बात को फैलाना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। आप देखिए एक पॉलिटिशियन ने दूसरे पॉलिटिशियन को मैसेज किया, मुझे कोई मजा या जोक भेजो, दूसरे पॉलिटिशियन ने रिप्लाई किया मैं इस वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ। करप्ट पॉलिटिशियन जो है, आपको पता है अच्छे वाले नहीं करप्ट जो है। सबसे बड़ा जोक क्या है? क्या एक पॉलिटिशियन कह रहा है मैं बीमार था और कौम की दुआओं से ठीक हो गया। सबसे बड़ा जोक खत्म हो गई बात। आप दुआ देंगे किसी को कोई पॉलिटिशियन बीमार हो जो इस वक्त पॉलिटिशियन है? जो अच्छा पॉलिटिशियन होगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा। अच्छा होता ना ये। अच्छा अच्छा रिजवान भाई अपना जब लाइट जाती है छुपन छुपाई वगैरह खेलते हैं? अभी कोई कभी खेल पाए? बिल्कुल खेला छुपन छुपाई, बिल्कुल ऐसे ही। छुपते हैं कहाँ? छुपते हैं कहीं भी, कहाँ छुपते बताएं? किसी की जेब में, कहाँ बहुत सारी जगह है,
बचपन में खेला है, जो सच बात है अभी भी बचपन अच्छा है। आपकी एज क्या है, लोग समझते पता नहीं क्या, बहुत ज्यादा मेरी 24 साल है। 24 साल और रेंज क्या है, शादी कितने साल की उम्र में करना है? शादी इंशाल्लाह अहमद खान 2-3 साल में कर लेंगे। अच्छा लेकिन लड़की देखे, लड़की कोई नहीं है, सीधी बात है, लड़की ढूंढो यार, लड़की कोई नहीं है शादी। लेकिन बरकत भाई अहमद खान आप तीनों बैठे हो और ये पूरा शो चल रहा होने जा रहा है, लड़की मुझे चाहिए अपने से बड़ी। कितने? बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल। कितनी हाइट? कितनी हाइट? नॉर्मल हाइट जो होती है 5'4" 5'4" 4'8" भी हो, 4'9" भी हो। अच्छा 5 भी हो? या ज्यादा अगर हट गई ना 6 फीट से भी ना कर लूंगी। ये आपने शादी करनी है क्या, इलेक्ट्रिक में काम करना है? खंभों पे चढ़ते हैं ना वो लोग, क्या कहते हैं, बंदा हैंडसम है, 6 फीट की भी मिल सकती है, पैसा इसके पास है, बिल्कुल मिलेगी माशाल्लाह, पैसा बहुत अल्लाह का शुक्र है, नेक सीरत है, नेक सीरत है, नेक सूरत है, सूरत अच्छी है माशाल्लाह, हेयर स्टाइल अच्छा है भाई, हेयर स्टाइल अच्छा है और हाथों में बाल आसानी से आ जाते हैं। हाँ वाह, नहीं एक बात है, बिल्कुल ऐसा ही, आप सही जा रहे हैं। अच्छा शादी हो जाएगी, अच्छा यार तुम्हारे एक जिंदगी बदलेगी यार, आपने क्यों नहीं की बरकत भाई? मैं क्यों नहीं किया, मैं करूंगा, मैं तुम कर लो फिर तुम्हारे बाद में। यार देखिए आप दोनों हर काम साथ साथ करते हो तो शादी भी तो करनी थी ना साथ। अरे इसकी सास इसको फोन करके पूछ रही है और क्या हाल है बेटा, ये क्या कर रहा है, मेरी छोड़ी अपनी बताइए, आपकी तरफ तो सुकून है ना। मैं इसका हालत देख चुका हूं ना। अच्छा जब हालात की बात आप नहीं कर रहे? हाँ मैं हालात की बात नहीं कर रहा। या सलमान भाई से आप इंस्पायर हैं? मैं सलमान भाई से भी इंस्पायर। नहीं भाई को करवटे लेने में मजा आता है बस। अच्छा सिर्फ करवटे, अकेले करवटे, अकेले ऐसी बात है, ऐसी बात है, ये के बच्चे के साथ लेगा तो वो तो आर पार हो जाएगा ना। अच्छा बात पता है कि रिजवान भाई आप इस बात से एग्री करते हैं कि जिसको देखो वो दुखी है, ये खुशी जाग आ रही है? हाय 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 हाय, ये खुशी जाग आ रही है, सबसे ज्यादा खुशी कोई खुश नहीं, किस बात पे खुश होते हैं आप सबसे ज्यादा, खुशी किस बात पे होती है और गमगीन किस बात पे होती है? ये बता। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब फैमिली को हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या फैमिली खुश है बस। अब आप ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने ये देखा कि ये घर में सबसे छोटा है, ठीक है, और मैं अब आपको ये एक लेटेस्ट न्यूज दे दूं, अपने घर में सबसे ज्यादा पैसे यही कमाता है माशाल्लाह, माशाल्लाह, अपने अब्बू से भी ज्यादा कमाता है, अपना घर बनाया माशाल्लाह, अपना घर बनाया, अल्लाह तुम्हें और दे, अपनी गाड़ी ली और अपने अब्बू से ज्यादा पैसे कमाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सर सैल्यूट। बात ये देखें आप, ये बात पता है क्या, देखो अब्बू को ताने तो नहीं देते, अब्बू मैं आपसे ज्यादा कमाता हूं भाई, अब्बू ने यहां तक, अब्बू और वालदा ने दोनों ने मिलकर यहाँ तक पहुंचाना, उन दोनों की सपोर्ट थी तो यहाँ तक। वो कहते हैं ना यार कि बाप एक ऐसा दरख्त है जिसके साये में बच्चे राज करते हैं। आए, आए, आए। आपको पता है अगर आप जिंदगी भर भी अपनी माँ की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें, तो अपनी माँ की दूध के एक कतरे की कीमत नहीं चुका सकते। आए, आए, आए। और इसके बावजूद कुछ लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, नहीं वो भी वो बच्चों की माँ की इज्जत करते हैं, वो फिर किसी इज्जत के काबिल भी नहीं होते। बात पता है क्या, आपका देखिए आपका भी हंसने हंसाने से ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एक बात अक्सर मैंने एक बात पढ़ी थी तो बड़ी अच्छी लगती है बात, हम सब पे सूट करती है, मुझे ऐसा लगता है जो मुझ पे जाती है बात, कि मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश पे जोर है, मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। ये अक्सर रात को उदास होते हैं, रात को तनाई में जब लाइट जाती है, कबूतरों की जोड़ी देख के उदास रात में निकल आते हैं मेरी रातों में। फिल्में देखने का मजा ही अकेले, क्योंकि आप किसी और को शामिल क्यों कर लो, गवाह क्यों बना रहे हो? देखे मैं बताऊं, मैं बचपन का एक वाक्य वो भी मुझे आज तक याद है, कि होता है ना अक्सर बंदा ख्वाब में, आप लोग भी कभी कभी उठ के चलते लगने, लोग चलते लगने, तो मैं उठ के गया, मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला और मुंह दिया बाथरूम में। अच्छा हाँ, तो ये मुझे वाकई याद है, ये मैंने किया है। अच्छा फ्रिज में मुंह दिया, सुबह मम्मी ने बताया बेटा तुमने फ्रिज खोल के उसमें। अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप कोई सीरियस बात करेंगे, ये सीरियस शो है, मैं समझा प्रोग्राम का वाइंड अप है, कोई मैसेज होगा। भाइयों अपने अपने फ्रिज को जो है ना रात में ताला लगा के सोया करें, सुबह जो है ना छिड़का हुआ करेगा। असला पता है कि हमारा तो सीरियस शो ही नहीं है, आप लोगों ने तो यकीन करें, मैं तो बिल्कुल अनवर मकसूद टाइप शो शुरू करना चाहता था, मैंने मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहती होता है ना समीना पीरज़ादा मेरा आइडियल थी।
मेरा वो आइडिया नहीं समझना पीरजादा, मैंने बोला था यार मैं वो बनूंगा, तुम नाम रख लेते हैं अहमद हराम ये रख लेते हैं। या आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया, मैं तारिक अजीज का इतना बड़ा फैन था, तारिक अजीज है, तारिक अजीज। मैंने सोचा मैं कोई सीरियस काम करूंगा, मुझे टीवी चैनल बुलाएंगे, लेकिन ये आप लोगों ने क्या बना दिया मुझे यार, आपके शो के चक्कर में टीवी चैनल वाले हमें नहीं बुला रहे। वो कह रहे अब यही करो, अब तो अहमद के साथ ही करो। नहीं नहीं मैं, लेकिन एक बात की गारंटी है बरकत भाई, जिस तरह ये शो वायरल चल रहा है, सस्ता है, हाय हाय, लेकिन ये वायरल चल रहा है, यकीन करें, मैं सस्ता किसने कहा यार, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक पैसे भाई, बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, आना चाह रहे हैं यकीन करें, एक दिन ये शो इतना ऊपर जाएगा, मेरी बात चल रही है अभी थर्ड फ्लोर है ना, ये थर्ड पे डट पे अभी फोर्थ है, मेरी बात चल रही है ऊपर और जा रही है। सर बात ये सब नियतों का खेल है, नियत साफ मंजिल आसान, ईमानदारी नेक नियति ईमान, हम जो है वो जीतने के लिए शो करते हैं, किसी को हराने के लिए नहीं करते। वाह वाह वाह, जब जीतने के लिए खेलोगे ना तो अल्लाह आपका साथ देगा, और ये आवाम जो है ना, ये दुनिया में जो फैली हुई आवाम है वो साथ देगी, और आप ही वही ले गए पीछा करवाते करवाते जा रहे हो, आप देखा लोकेशन ये, तू वहां जा रही है, मैं देखे, मैं सच बताऊं मैंने पीछा तो नहीं किया आज तक, अच्छा पीछे जा ही नहीं सका ना। अच्छा गाने कौन से पसंद है, सैड सॉन्ग सुनते हैं, ओल्ड, देखिए मुझे गाने 90s वाले ही पसंद है। तो आप हमारे पुराने गाने सुनोगे ना, आप गानों की बात की, पुराने आप पुराने गाने सुनो, उसमें भी कोई ना कोई आपको कहानी नजर आएगी। जैसे अब एक हमारा पाकिस्तानी गाना है के लटूल जी सुल जा जरे बालम, मैं लगाऊंगी हाथ तेरे, तूने लट जिसे उलझाई थी उसी से सुलझा, नए आदमी को क्यों इनविटेशन दे दिया, वो ऑलरेडी किसी और के लट सुलझाते हुए आ रहा है, वो मजदूर आदमी है बेचारा, कोई मशीन थोड़ी कि तेरी लट भी सुलझा रहा है, उसकी अपनी लट खराब हो, तो नए आदमी को इनविटेशन दे रही है मेरी लट सुलझा, अपने आदमी को दावत दी, तरीका है। बहुत मजा आया रिजवान खान आपके साथ, यकीन करें अभी कुछ ही घंटों में आपसे दोबारा भी मिलना है, भी मिलना है। तो जाते जाते कोई मैसेज इस कैमरे में आप दे दें भाई, मैसेज यही है अहमद खान बरकत भाई बैठे हैं, आप तीनों सीनियर हैं, आप लोगों से सीखता रहता हूँ, ठीक है भाई, यही बोलना चाहूंगा कि भाई ये शो जो है इसको देख के हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लाइक कमेंट शेयर करते रहे, जिंदगी में कामयाब बने, पैसा खुद आएगा। वाह 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 वाह।